अभी आराम आराम से। हेलो एवरीवन, बेटा आज चैप्टर नंबर 9 की हमें केस स्टडी करनी है। और एक और बात, केस स्टडी कराने से पहले एक बार मैं बार बार कहता हूँ, क्या आपको चैप्टर याद है या नहीं? खाली अगर मैं हेडिंग्स हेडिंग्स भी बताऊँ ना इस चैप्टर की, तो 5 मिनट तो मुझे हेडिंग्स बताने में लगेंगे, कंटेंट बताने में तो कितना टाइम लगेगा। और अगर आपको कंसेप्ट की हेडिंग से याद ही नहीं है, तो आप केस स्टडी सॉल्व नहीं कर सकते। बेटा अभी करोगे, मैं ही आंसर दूंगा उसका क्वेश्चन का भी, है ना? जितना आपको याद है देखते हैं। सबसे पहला एक डिसीजन है, पैसा कहाँ से, जिसे क्या कहते हैं, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स, और डिसीजन के फॉर्म में फाइनेंसिंग या कैपिटल स्ट्रक्चर, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म में भी शेयर या डिबेंचर। मेन पॉइंट इसके क्या याद रखने हैं, फैक्टर्स। तो समझ लो ये 1/3 चैप्टर। पैसा दो जगह से आ सकता है, शेयर डिबेंचर, उसके फैक्टर्स याद रखने। एक बार फाइनेंसिंग बोलेंगे, एक बार उसे कैपिटल स्ट्रक्चर। और इसी से रिलेटेड एक कंसेप्ट था ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, कि ज्यादा पैसा डिबेंचर से लेना तो ईपीएस बढ़ जाएगा, अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट से क्या हो, ज्यादा, और इंटरेस्ट इज ए टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस। ये होगी पैसे लेने की बात, अब इस पैसे को लगाना है। भैया कहाँ लगवा रहे हो? यूटिलाइजेशन के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जिसमें दो आते हैं, कौन कौन से, एक तो फिक्स कैपिटल और एक वर्किंग कैपिटल। और इन दोनों के भी क्या याद रखने हैं, फैक्टर्स, कि ज्यादा फिक्स एसेट्स चाहिए या कम, ज्यादा वर्किंग एसेट्स चाहिए या कम। और यही वर्किंग एसेट्स वाली मैंने वीडियो भेजी थी, अभी पता चलेगा किसने कितना कर रखा है। और एक लास्ट, फाइनेंसिंग हो गया, फिर उसके बाद इन्वेस्टिंग हो गया, फिर एक क्या रह जाएगा, डिविडेंड डिसीजन। और इसके भी क्या करने हैं, फैक्टर्स। इसके अलावा एक अलग से कंसेप्ट है, फाइनेंशियल प्लानिंग। बेटा ट्रेडिंग ऑन इक्विटी मैंने यहाँ लिख दिया पहले ऑलरेडी। उसके अलावा इस पूरे चैप्टर के एक टॉपिक है, इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट और ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। बेटा ये खाली टॉपिक्स लिखवाए, जब हम कोई केस स्टडी पढ़ेंगे तो मैं उससे पहले ये कोशिश करूंगा कि कौन से टॉपिक से है, देन उस टॉपिक के बीच में जान के कोशिश करेंगे उसे थोड़ा सा रिकॉल करने की। बेटा साथ में बात ना हो, सामने देख लो। और बेटा जब भी कोई लेंदी केस स्टडी करो, तो सारा फोकस लास्ट जो दो लाइंस होती हैं इस पे रखा करो। पता चला एक पेज की कोई केस स्टडी आई, आधे से आधा बच्चा तो उसे देख के हेजिटेट, वो भाई साहब इतनी बड़ी, और वो वहीं पे उसका मोटिवेशन लेवल कम। तो आप ये कोशिश क्या करो कि आखिरी की लाइन पहले रीड करो, देन केस स्टडी रीड करो। बेटा सामने फोकस दे लो, वरना स्ट्रेस बढ़ता रहेगा जिंदगी में और कुछ नहीं होगा। क्या कह रहे हैं इसमें, कह रहे हैं जब आप ये केस पढ़ लोगे तो दो चीजें निकालना हमारे लिए, क्या, एक तो आइडेंटिफाई ऑफ द अबव केस, देखेंगे कि किस चीज का केस है। मेन पॉइंट, आइडेंटिफाई द 3 फैक्टर्स मेंशन इन द पैराग्राफ। लो जी, इन्होंने तो पहले ही बता दिया, और क्या होगा। कह रहे 3 फैक्टर्स आइडेंटिफाई कर दो जो पैराग्राफ में है, जो किसको अफेक्ट कर रहे हैं, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को। तो बेटा बस आपको ना वर्किंग कैपिटल के फैक्टर्स याद होने चाहिए, कि ये अलग अलग फैक्टर्स थे, उन फैक्टर्स का नाम लिखना है, और फिर ये बताना है कि ये पर्टिकुलर फैक्टर के अकॉर्डिंग हमें वर्किंग कैपिटल, सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो डे टू डे बेसिस पे धंधा चलाने के लिए पैसा ज़्यादा चाहिए, या डे टू डे बेसिस पे धंधा चलाने के लिए पैसा कम चाहिए। जैसे मैं 2-3 पॉइंट रिकॉल कराऊं, अच्छा कोई मुझे बता सकता है, बस वो भैया मेरे 3-4 पॉइंट याद है वर्किंग कैपिटल के, जैसे कि ये थे, बस वो हैंड रेस कर ले एक बार, मैं पूछ लूंगा मुझे जिससे पूछना है। मैं कह रहा हूँ कि केस स्टडी बाद में, पहले खाली ये बता दो कि हाँ भैया हमें 2-3 पॉइंट, 2-3 फैक्टर्स याद है। पूरे बैच में बेटा वो तो मैं ही याद दिलवा दूंगा, अभी तो खाली बस ये देख रहा हूँ पूरे बैच में एक। लेकिन बेटा आपको हेडिंग्स तो याद हो जानी चाहिए थी आज आपको केस स्टडी के लिए, जब मैंने कहा था तो आपको याद होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था? याद तो आपको होना चाहिए था कम से कम। अब इस पे मुझे फिर वही याद आता है, कंट्रोल उदय कंट्रोल, लग भी रहे हो आज, आज ऐसे ही लग रहा है कि कंट्रोल है ना, वही भी लग रहा है बेटा। यही दिन आगे जब बच्चे अगर ऐसे काम करेंगे, 5-6 बच्चे छुट्टी पे हैं जो आए हैं वो कुछ करके नहीं आए, तो
होगा क्या, हमें समझ के पा रहे हैं? कंट्रोल ऑफ द कंट्रोल, खुद ही पढ़ो, खुद ही आंसर दे दो। अच्छा बेटा, कंट्रोल उदय ही था, जितना ध्यान वहां दिया उतना यहाँ दे लो। डंगरों, जरा ध्यान से देख लो वर्किंग कैपिटल के कौन कौन से फैक्टर्स हैं। जैसे कि एक टॉपिक, एक पॉइंट था नेचर ऑफ बिजनेस, कि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो ज्यादा पैसा चाहिए, सर्विस या ट्रेडिंग है तो पैसा कम चाहिए। उसके अलावा एक था स्केल ऑफ ऑपरेशन, बड़े लेवल पे काम कर रहे हो तो पैसा ज्यादा चाहिए, छोटे लेवल पे काम कर रहे हो तो पैसा कम चाहिए। चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी, बिजनेस साइकिल भी आएगा, चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी, कैपिटल इंटेंसिव है तो पैसा ज्यादा चाहिए, और लेबर इंटेंसिव है तो पैसा कम चाहिए कंपेरेटिवली। ऐसे ही एक आया बिजनेस साइकिल, बिजनेस में पीक और डाउन मतलब रिसेशन आता ही रहता है, कभी बिजनेस साइकिल बूम पे होती है और कभी बिजनेस साइकिल डाउन पे होती है। जब पीक या बूम पे है, जब पीक या बूम पे है, जिस समय मार्केट ग्रो कर रही है उस समय हर एक धंधे वाले इंसान को पैसा चाहिए होता है, कि भाई गुड्स प्रोड्यूस करना है, माल उधार पे बेचना है तो पैसा बहुत चाहिए, तो उस समय ज्यादा अदरवाइज कम। तो ऐसे ऐसे बेटा जब तक पॉइंट याद नहीं होंगे, मुझे तो बहुत सारे बेटा, मुझे तो सारे ही है, क्रेडिट अलाउड भी था इसमें, क्रेडिट अवेल्ड भी था, बिजनेस साइकिल आपने बोल दी, प्रोडक्शन साइकिल भी थी। बेटा मेरे याद रखने से कुछ नहीं होगा ना, हम कर रहे हैं केस स्टडी और आपको याद है सिंपल भी नहीं, तो बड़ा इशू है बेटा। एक सेकेंड, हेलो आ जाओ बेटा, अरे एक कितना दूर जा सकते हैं गाड़ी, एक कार्ड भी दो ना आप, शांत बेटा, अभी साइड पर क्लीन करना भैया। अभी मैंने आपको सिंपल ये समझाया कि अगर कोई भी केस स्टडी करनी है तो आपको फैक्टर्स सारे के सारे याद होने चाहिए। अगर आपको फैक्टर्स याद नहीं है तो आप उस केस स्टडी को अटेम्प्ट नहीं कर सकते। तो आराम से पहले जरा दोबारा केस स्टडी को रीड आउट करते हैं कि क्या है यहाँ पे केस स्टडी। बेटा मैंने पहले बता दिया, अगर फैक्टर्स याद नहीं है तो आप आंसर नहीं दे पाओगे। यहाँ पे एक तो ये बताना है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो वर्किंग कैपिटल को अफेक्ट कर रहे हैं। बेटा यहाँ तो मैं आंसर दे दूंगा आप, लेकिन पेपर में आपको कैसे आंसर देने हैं, पहले आप रिकॉल करोगे सारे फैक्टर्स के पॉइंट, देन लिंक करोगे कि कौन सा पॉइंट यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। आराम से पढ़ो, बिल्कुल प्रैक्टिकल केस स्टडी है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? अरुण एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, कौन सी इंडस्ट्री में? पेपर इंडस्ट्री में। बेटा प्रैक्टिकली बिजनेस भी ऐसे ही होते हैं, अगर कोई बिजनेसमैन कल को बनना चाहता है उसकी थिंकिंग, उसका माइंडसेट ऐसे ही काम करता है प्रैक्टिकली जो यहाँ पे दे रखा है, इसीलिए इसे प्रैक्टिकल केस स्टडी कह रहे हैं। कह रहा कोई अरुण है जो पेपर इंडस्ट्री का बिजनेस कर रहा है, तो वो बेसिकली क्या गया, अपने दोस्त के यहाँ घूमने गया मैसूर। तो जब वो घूमने गया तो बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड था, किसके बारे में, कि वहाँ पे काफ़ी सारे स्टिक्स अवेलेबल हैं, कि यहाँ पे स्टिक्स का बिजनेस बहुत है। तो उसके दोस्त ने बताया, अरुण के दोस्त ने बताया उसे क्या, कि जो भाई मैसूर जहाँ आप घूमने आए हो ना, ये रीजन पता किस चीज़ के लिए फेमस है, ये एरिया फेमस है अगरबत्ती मैन्युफैक्चरिंग के लिए। बेटा अगरबत्ती ही कहाँ है? अगरबत्ती, हाँ, अगरबत्ती मैन्युफैक्चरिंग के लिए बिजनेस फेमस है, उसके पीछे का रीजन क्या है? बेटा प्रैक्टिकली बिजनेस हमेशा ऐसे चलते हैं, कोई बिजनेस अगर फेमस है किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए तो उसके पीछे का रीजन होगा। तो उसने कहा कि यहाँ पे ये बिजनेस इतना ज्यादा क्यों है, तो उसने कहा कि यहाँ पे ना जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट है ना, उसका नेचुरल रिजर्व है यहाँ पे, स्पेशली किसका है, सैंडलवुड का सबसे ज्यादा, जो कि उस बिजनेस में एज ए रॉ मटेरियल यूज होता है। तो ये सिंपल एक पॉइंट का जब डिस्कशन चल रहा था कि भाई ये बिजनेस यहाँ क्यों इतना चल रहा है, कह रहा क्योंकि जो इसका रॉ मटेरियल है ना वो बहुत जल्दी क्या है, इजिली अवेलेबल। बेटा मैं यहीं पे अब आपको बता दूं, जब हम वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के फैक्टर्स पढ़ते हैं तो वहीं पे एक पॉइंट लिखा होता है, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, क्या रॉ मटेरियल इजिली अवेलेबल है या नहीं। अगर किसी चीज का रॉ मटेरियल इजिली अवेलेबल है तो उस धंधे में वर्किंग कैपिटल आपको क्या चाहिए होगी, कम। क्यों? अगर मुझे रॉ मटेरियल चाहिए होगा तो मैं उसी समय अपने सप्लायर को फोन करूंगा और कहूंगा भाई क्या दे दे, रॉ मटेरियल दे दे। इसमें कंसेप्ट पढ़ाया जाता है कि रॉ मटेरियल इजिली अवेलेबल है या नहीं। तो
जहां पे टाइम स्पेंड ज्यादा होता है कि हम आज ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं 1 तारीख को और डिलीवरी 15 तारीख को होगी, अगर किसी बिजनेस में ऐसा है तो वहां पे आपको रॉ मटेरियल फैक्ट्री में पहले ला के रखना पड़ता है। यहाँ पे रॉ मटेरियल पहले ला के रखने की जरूरत नहीं है, जिस दिन जितना चाहिए उस दिन उतना सप्लायर से कॉल करके मंगा लेना। तो एक हेडिंग आ गई, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। आगे चलते हैं। मोर ओवर जो सप्लायर हैं, किसके, द सप्लायर ऑफ अदर टाइप्स ऑफ रॉ मटेरियल नीडेड फॉर प्रोडक्शन फॉलो ए लिबरल क्रेडिट पॉलिसी। बेटा ये वाला पॉइंट भी वहां पे बताया था। अब बात यह है कि इसको याद है किसको याद नहीं है। एक होता है क्रेडिट अलाउड और एक होता है क्रेडिट अवेल्ड। यहाँ पे ये पॉइंट आता है क्रेडिट अवेल्ड। अगर आप खुद प्रैक्टिकली सोचो, मुझे कोई बंदा सामने से माल उधार पे बेच देगा तो क्या मुझे कैसे कैश ज़्यादा चाहिए बिजनेस रन करने में, उधार पे काम हो जाएगा। भाई मैं धंधा कर रहा हूँ, ठीक है, किसी भी चीज़ का। पीछे वाला बंदा कह रहा है भाई ये ले ले मेरे से रॉ मटेरियल और दे दियो अपना साल में पैसे, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, उससे रॉ मटेरियल खरीदूंगा उधार पे, उसे फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करूंगा 1-2 महीने में, उसे बेच दूंगा और पैसा किस में आ जाएगा, कैश में। और जब पैसा आ जाएगा तभी पीछे वाले को क्या करूंगा, पे। तो क्या मेरा कम पैसों में भी काम चल जाएगा या नहीं चल जाएगा। तो ये पॉइंट है क्रेडिट अवेल्ड, ये पॉइंट है क्रेडिट अवेल्ड कि आपको क्लियर ये क्या है ना, कह रहे जो रॉ मटेरियल है इस चीज के वो क्या फॉलो करते हैं, लिबरल क्रेडिट पॉलिसी। लिबरल का मतलब आपको इजीली क्या दे देते हैं, उधार दे देते हैं। एंड और जो टाइम चाहिए इन स्टिक्स को बनाने के लिए, इसे कहते हैं प्रोडक्शन साइकिल। क्या रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने में टाइम ज़्यादा लगेगा या कम, अगर टाइम कम लगेगा तो वर्किंग कैपिटल भी क्या हो जाएगी, कम, क्योंकि रॉ मटेरियल खरीदा 1-2 दिन में किस में कन्वर्ट कर दिया फिनिश गुड्स में, फिर उसे बेच के क्या कमा लेंगे, कैश। तो अगर आपका रॉ मटेरियल कैश में जितनी जल्दी कन्वर्ट होगा, धंधे में कैश उतना ही कम चाहिए। तो कुल मिला के 3 पॉइंट लिखोगे, कौन कौन सी हेडिंग, क्रेडिट अवेल्ड, प्रोडक्शन साइकिल, और एक मैंने बताया था अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। और तीनों पॉइंट क्या शो कर देंगे कि यहाँ पे धंधा चलाने के लिए वर्किंग कैपिटल क्या चाहिए, कम चाहिए। तो बेटा ये देख लो, ये तीनों के पॉइंट लिख दिए, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, प्रोडक्शन साइकिल एंड क्रेडिट अवेल्ड। और यहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट है कौन से डिसीजन में आता है, आपको पता ही है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। क्या कौन से वाले, हमें यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया, यहाँ पे इन्हें प्रॉपर लिखना चाहिए था, आइडेंटिफाई द कंसेप्ट, आइडेंटिफाई द कंसेप्ट। हाँ तो यहाँ कंसेप्ट वर्ड अगर लिखेंगे तभी इतना डिस्क्राइब करोगे कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, जिसमें दो तरह के डिसीजन आते हैं, तो वही यहाँ पे सब लिखा हुआ है। अब बोलो बेटा। हाँ बेटा, अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कराया है आपको, जिसमें मैंने ही स्टडी केस स्टडी रीड आउट करी और खुद ही आंसर दिया। क्वेश्चन 3 मैं आप सबको कह रहा हूँ इसे रीड आउट करो, यहाँ पे आप क्वेश्चन पढ़ो क्या है, केस स्टडी क्या डिमांड कर रही है, खुद पहले ये डिविडेंड डिसीजन के ऊपर है, खुद रीड आउट करो, खुद एक बार आंसर देखने की कोशिश करो कि आप दे पा रहे हो या नहीं, अदरवाइज मैं बताऊंगा। पहले इसे खुद रीड आउट कर लो, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। पहले मैंने हमेशा ये कहा है कभी भी केस स्टडी करनी है उसके रिक्वायरमेंट पढ़ो। कह रहे गिव एनी 3 रीजन बिकॉज ऑफ विच यू थिंक कंप्यूटर लिमिटेड हैज बीन पेइंग डिविडेंड एट हायर रेट। कह रहा 3 रीजन देख लो, फैक्टर्स बेसिकली आपको याद है या नहीं है। अब मैं फिर वही कहूंगा, जिसे फैक्टर्स याद हैं वो इसके आंसर दे देगा, जिसमें कौन कौन से फैक्टर्स थे, अमाउंट ऑफ अर्निंग, कैश फ्लो पोजीशन और ग्रोथ ऑफ ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। बेटा वो देखेंगे क्या होगा या क्या नहीं होगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ लीगल कॉन्स्ट्रेंट, कॉन्ट्रेक्चुअल कॉन्स्ट्रेंट, वो चीजें याद हैं या नहीं। तो पहले तो कह रहे 3 रीजन देखना कि जिसके कारण कंपनी ज्यादा डिविडेंड दे पा रही है, जो क्वेश्चन में है। और बेटा पढ़ते हैं फिर बताएंगे आराम से। कमेंट अपॉन द लाइकली डिविडेंड पॉलिसी ऑफ द कंपनी दिस ईयर बाय स्टेटिंग एनी 2 रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। कह रहे अभी तक तो आप हाई दे रहे थे, उसके रीजन दे देना, अब इस साल आप कैसा दोगे उसके भी 2 रीजन देना कि आप ज्यादा दोगे या कम दोगे।
तो जल्दी से बढ़ते हैं क्वेश्चन को कि क्वेश्चन में क्या तीन रीजंस हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंप्यूटर टेक लिमिटेड इज वन ऑफ द लीडिंग आईटी आउटसोर्सिंग सर्विस प्रोवाइडर इन इंडिया। कंपनी क्या प्रोवाइड कर रही है, बिजनेस कंसल्टेंसी और आउटसोर्सिंग सर्विस टू इट्स क्लाइंट। ये क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है भाई, क्या कर रही है, क्यों कर रही है, हमें क्या लेना देना। पिछले 5 साल से कंपनी ज्यादा डिविडेंड दे रही है, हाउएवर दिस ईयर, कह रहे पिछले साल से वो दे रही है, अभी तो वो हाई रेट से दे रही है, 5 साल से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस साल कंपनी की अर्निंग तो हाई है लेकिन लिक्विडिटी पोजीशन अच्छी नहीं है। तो बेटा ध्यान से बात समझना, लिक्विडिटी पोजीशन का मतलब होता है कैश फ्लो पोजीशन। मोर ओवर कंपनी अगले साल ग्रोथ भी करना चाहती है, तो बेटा बड़े ही ध्यान से सुनना बात को। जो सेकंड का आंसर है मैं वो पहले दे रहा हूँ। सेकंड पॉइंट में उसने ये कहा था ना, इस साल कंपनी कैसा डिविडेंड देगी, तो इसका आंसर आएगा इस साल कंपनी कम डिविडेंड देगी। उसके पीछे का रीजन क्या दोगे, क्योंकि एक तो कैश फ्लो पोजीशन अच्छी नहीं है और दूसरा क्या है, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। केस स्टडी से निकलेगा बस इतना आंसर, बाकी फर्स्ट का कोई भी तीन रीजन दे देना, क्योंकि वो केस स्टडी से लिंक, कोई भी रीजन कि हम ज्यादा क्यों देते हैं। जैसे कि हम ज्यादा इसलिए देते हैं जिससे कि स्टॉक मार्केट में पॉजिटिव रिएक्शन आए, है ना। हम ज्यादा इसलिए भी दे सकते हैं कि हमारी अमाउंट ऑफ अर्निंग अच्छी हो, हम ज्यादा इसलिए भी दे सकते हैं कि पिछले साल कैश फ्लो पोजीशन अच्छी थी। अभी तो हो गया ये क्वेश्चन, और एक मिनट बस बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद बेटा वही देख रहा हूँ कि अगर न्यूमेरिकल वाला कोई दिख गया तो न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल कोई था बेटा उसमें, बेटा शायद खुद ही एज्यूम करा हुआ था या लिखना था, सेट द इम्पोर्टेंस आइडेंटिफाई द हाउ विल डिविडेंड। बेटा चलो क्वेश्चन 7 कर लेते हैं, मैं ही करवा रहा हूँ, तुम तो टाइम वेस्ट करोगे इसका। फर्स्ट पॉइंट, फाइनेंशियल प्लानिंग की इम्पोर्टेंस बतानी है, तो लास्ट लेक्चर का जो टॉपिक है वो डायरेक्ट लिखा जाएगा कि आप अपनी फाइनेंसिंग को इन्वेस्टमेंट के साथ लिंक कर सकते हो, कंट्रोलिंग में मदद करता है, शो को सरप्राइजेस नहीं लगने देता, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है लास्ट लेक्चर में जब समझाया था। कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, व्हाट इज द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी। कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कितना पैसा डेब्ट से ले रखे और कितना इक्विटी, दोनों को प्लस कर दो तो कैपिटल स्ट्रक्चर आ जाएगा। आइडेंटिफाई द फाइनेंशियल डिसीजन जो इन्वॉल्व होगा जब कंपनी कितने पैसे रेज कर दी है, 800 करोड़ अलग अलग जगह से, और ये डिविडेंड डिसीजन को लेटर ऑन कैसे अफेक्ट करेगा। आराम से केस स्टडी पढ़ते हैं, बिल्कुल प्रैक्टिकली क्वेश्चन है। कृष्णा लिमिटेड कोई कंपनी है, स्टील मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है नोएडा में, इकोनॉमी ग्रो कर रही है तो स्टील की डिमांड भी बढ़ेगी, दोनों में पॉजिटिव लिंक है। जितना इकोनॉमी ग्रो करेगी, घर ज़्यादा बनेंगे, स्टील की डिमांड उतनी ज़्यादा होगी। कंपनी क्या सोच रही है, एक प्लान कर रही है कि न्यू स्टील प्लांट लगाया जाए, एक जगह तो चल रहा है धंधा, ग्रो करेंगे एक और जगह लगा लेते हैं गुरुग्राम में, अंधा पैसा है। कंपनी को कितना पैसा चाहिए नए प्लांट्स को लगाने के लिए, बेटा बिल्कुल प्रैक्टिकली सोचोगे समझोगे तो समझ भी आएगा। मैं कह रहा हूँ पूरा चैप्टर ना पढ़ाओ, केस स्टडी को ध्यान से पढ़ लो कि प्रैक्टिकली हो क्या रहा है। एक धंधा चल रहा है किसी का, वो बंदा दूसरा धंधा शुरू करना चाह रहा है और कितना पैसा चाहिए, 800 करोड़ चाहिए उसे नए प्लांट के लिए, बस 800 करोड़, ज़्यादा तो चाहिए ही नहीं, 800 करोड़ में काम बन जाएगा उसका। अब उसने उस 800 करोड़ को सोचा भी अरेंज कैसे करेगा, इट डिसाइडेड टू रेज 300 करोड़, तो वो कहाँ से लेने की सोच रहा है, डिवेंचर, 200 लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम बैंक, 500 हो गए, 500 प्लस 200 कहाँ से हो गए, इक्विटी शेयर, भाई अभी तो 700 ही हुए, 100 अब भी रह गए। तो उसने कहा कि भाई मेरे भी पहले रिजर्व सरप्लस है, सब भीख मंगा कोई हूँ कि दूसरों से ही पैसे लेता रहूँगा, 100 करोड़ पहले भी अपने जेब में मैंने बचा के रखा हुआ है, मैं वो लगा दूँगा। और धंधा ऐसे ही चलता है रियलिटी में, जब आप बहुत बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करते हो खुद की जेब से तो कमी निकलेगा, डिबेंचर शेयर यहीं से बड़े बड़े पैसे आते हैं। तो कैपिटल स्ट्रक्चर किसे कहते हैं वो तो आप समझा दोगे, कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब
टोटल ऑफ फंड्स आइदर थ्रू इक्विटी और थ्रू डिबेंचर, उसे एक्सप्लेन कर दूंगे। दे आर वेरियस फैक्टर्स दैट अफेक्ट द कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन, वो आपको मैंने बहुत सारा पूरा टॉपिक समझाया रखा है। थर्ड क्या है, आइडेंटिफाई द फाइनेंशियल डिसीजन इन्वॉल्व। फाइनेंशियल डिसीजन में समझ तो आ गया, ये कौन सा डिसीजन है, फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंशियल में भी कौन सा डिसीजन है, पूरा चैप्टर फाइनेंशियल डिसीजन है कि कौन कौन से डिसीजन लेने होते हैं, फाइनेंसिंग, इन्वेस्टमेंट और उसके बाद डिविडेंड। तो यहाँ पे कौन सा डिसीजन लेना पड़ेगा, फाइनेंसिंग, ठीक है। और लास्ट पॉइंट, ये डिविडेंड डिसीजन को बाद में कैसे अफेक्ट करेगा। डिविडेंड डिसीजन का मतलब होता है कि हम डिविडेंड ज्यादा दें या कम दें, तो ये कल को डिविडेंड डिसीजन को कैसे अफेक्ट कर सकता है। डिविडेंड डिसीजन को अफेक्ट करने के बेटा आप दो तीन पॉइंट लिख सकते हो यहाँ पे, डिविडेंड डिसीजन को अफेक्ट कैसे कर सकता है। एक पॉइंट तो ये डिविडेंड डिसीजन को ऐसे अफेक्ट कर सकता है कि लिखा हुआ नहीं यहाँ पे, मैंने एक पॉइंट बताया था कॉन्ट्रेक्चुअल कॉन्स्ट्रेंट, जिसमें समझाया था जब हम डिबेंचर या बैंक से लोन ले रहे होते हैं तो कितनी बार वो क्या लगा देते हैं, रिस्ट्रिक्शंस, कि आप चाह के भी इससे ज्यादा परसेंट डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट, और वो बात आपको फॉलो करनी पड़ती है। और लेकिन वो ये तुम प्रैक्टिकली जब तक ये चलेगा नहीं तब तक समझ ही नहीं आएगा भैया वो क्यों लगाते हैं, ऐसा क्यों होता है कि जो बंदा लोन पे पैसा दे रहा है किसी कंपनी को वो ये कह रहा है कि इससे ज्यादा तुम कल को डिविडेंड नहीं बांटोगे, भैया ऐसा क्यों होगा। क्योंकि उसे खतरा है कि भाई मैं तो आउटसाइडर हूँ, तुम लोग मालिक हो, पता चला तुमने तो एक साल में बढ़िया प्रॉफिट कमा के सारा पैसा आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, अगले साल तुम्हें पे करने के लिए EMI नहीं हुई, तो वो पैसा देते हुए कह देते हैं पे एक शर्त पे देंगे कि इससे ज्यादा तुम डिविडेंड नहीं बांटोगे। तो एक तो ऐसे अफेक्ट कर सकता है, और एक और तरीका जो आप कह सकते हो कि अगर कम रेट पे तुम्हें यहाँ पे पैसा मिल जाए अगर डिबेंचर से, तो उसका फायदा किसको भी मिल जाता है, शेयर होल्डर्स का। तो यहाँ पे अलग अलग, पहले फाइनेंशियल प्लानिंग की इम्पोर्टेंस, फिर एक लाइन किसके ऊपर, कैपिटल स्ट्रक्चर के ऊपर। देखो डेप्ट और इक्विटी होता है, यहाँ जरूरी नहीं है उन्होंने निकाल के दिखा दिया, अलग बात है, लेकिन सिंपल ये बताया डेप्ट से कितना पैसा ले रखा है 500 और इक्विटी से 300, तो 500/300 से ही हो गया। तीसरा पॉइंट कौन सा डिसीजन है, फाइनेंसिंग डिसीजन। कौन सा डिसीजन है, फाइनेंसिंग डिसीजन, क्या करो इससे बेटा, रिजर्व एंड सरप्लस भी किसमें आता है, इक्विटी की डेफिनेशन। अगर आप कल को क्या पढ़ लोगे, अकाउंट्स में उसे पढ़ लोगे बेटा, अगर और पढ़ लोगे। एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं 9, क्या पता गलती से कोई आंसर दे दे, सबको खुद रीड करने के लिए दे, शांति से कर लो एक आधा क्वेश्चन। बेटा बाकी केस स्टडी आप एक बार गलती से अगर घर पे पढ़ लोगे तो करके आ जाना, कल नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और कुछ दिन में टेस्ट लेंगे।